गेहूं खरीद और गन्ना खरीद की ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को शाहजहांपुर और लखीमपुर पहुंचे और यहां की मंडियों और गन्ना खरीद सेंटर पर औचक छापेमारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री को गेहूं खरीद और भुगतान में कई खामियां मिली। सीएम योगी ने कहा कि गेहूं खरीद में माफिया का गठजोड़ खत्म किया जाएगा और वास्तविक किसान को उसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक खेतों में किसान का गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिलों को बंद नहीं किया जाएगा। अचानक हुए निरीक्षण में यहां अधिकारियों में हड़कंप मच रहा है। हालांकि इस दौरान परेशान किसानों को पुलिस ने सीएम से दूर रखा ताकि खामियों को छिपाया जा सके। खरीद रजिस्टर में सीएम को कई खामियां मिली। सीएम का कहना है इस बात की जांच की जा रही है कि गेहूं की खरीद असल किसानों की गई है या फिर बिचौलियों ने गेहूं बेचा है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि पैसा किसानों के खाते में पहुंचा या बिचौलियों के खाते में। योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा, जांच के बाद कई खरीद एजेंसियां कार्रवाई के घेरे में आ सकती हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी फंस सकते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।